हेलो दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही हेल्दी रायता बनाएंगे, लौकी का रायता। तो रायता बनाने के लिए ये हमने लौकी लिया हुआ है, उसको हमने काट कर इस तरह से बीजों को निकाल कर और छील कर ले लिया है। लौकी को हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। सबसे पहले हम लौकी को उबाल लेंगे थोड़ा सा। लौकी को उबालने के लिए हमने पानी गर्म होने के लिए रखा है। पानी अब गर्म हो गया है तो इसमें ग्रेट किया हुआ लौकी डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे हम। लौकी को हम तेज आंच पे ही लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उबालेंगे बिना ढक के। 3 मिनट तक हमने लौकी को एकदम तेज आंच पे उबाल लिया इस तरह से। अब गैस को बंद कर देंगे और इसको पानी में से हम छान लेंगे। लौकी को हमने पानी में से छान लिया है, अभी अच्छे से ठंडा हो गया है तो इसको हम अच्छे से निचोड़ के इसके पानी को निकाल लेंगे और जो हमने उबाल कर पानी बचाया हुआ है छान कर, उस पानी को हम दाल बनाने में, सब्जी बनाने में या तो फिर आटा गूंदने में यूज कर लेंगे। बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। 1 कप दही लिया है हमने, 1 बड़ा चम्मच शक्कर लिया है, 1 छोटा चम्मच जीरा, काला और सफ़ेद नमक, चुटकी भर हींग, 1/2 छोटा चम्मच पीली सरसों है ये, अगर ये आपके पास ना हो तो ब्लैक मस्टर्ड सीड भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये लाल मिर्च पाउडर लिया है हमने। सबसे पहले हम जीरा और राई को भून लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। लौकी को हमने उबाल कर पानी से छान कर इस तरह से ले लिया है। थोड़े से टमाटर और सेव को बारीक इस तरह से काट कर ले लिया है। 2 हरी मिर्चों को बीच में से काट कर ले लिया है। ये हमने पीली सरसों और जीरा को भून कर पाउडर बनाकर इस तरह से ले लिया है। चलिए अब फिर रायता को हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम दही को एक छन्नी की मदद से छान लेंगे। दही को हमने अच्छे से छान कर स्मूथ कर लिया है। इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अब शक्कर डालेंगे हम, लौकी डालेंगे, टमाटर और एप्पल, भुना जीरा पाउडर डालेंगे इसमें हम, राई का पाउडर डालेंगे इसमें, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, काला और सफेद नमक डालेंगे हम इसमें। सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको भी मिला लेंगे। इसमें आप नमक और शक्कर को टेस्ट करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा और कर सकते हैं। रायते में अब हम तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए पैन में हमने ये 1 चम्मच तेल डाला है गर्म होने के लिए। तेल हमारा गरम हो गया है, अब तो इसमें हींग पाउडर डाल देंगे और साथ ही साथ 2 हरी मिर्चों को डाल देंगे। तड़का हमारा तैयार हो गया है, इसको हम रायता में डाल देंगे। लौकी का रायता बनके तैयार है। आप भी इस तरह से बहुत ही हेल्दी लौकी का रायता बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।